हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जो मेरे चैनल पर है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन बटन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि जो भी वीडियो डालें तो आपको पास नोटिफिकेशन पहुंचे। तो आज बनाएंगे हम मटर का झोर। तो मटर के लिए हम 3 टमाटर लिए हैं, साथ में मटर लिए हैं और लहसुन लिए हैं और उसके बाद मिर्च लिए हैं। अब इसमें ऐड करेंगे पानी। पानी ऐड करने के बाद अब इसे स्टार्ट करेंगे उबाल लगाने के लिए। तो ये देखिए लेक्सन चूल्हे को स्टार्ट कर दिए। तो ये देखिए ये हो भी चुका है, थोड़ा देर में हो गया, तब चेक करेंगे। तो ये देखिए हो चुका है, टमाटर को चेक किए तो सीझ चुका है। तो अब इसे हम बंद करेंगे। बंद करने के बाद अब इसे पानी छानेंगे। पानी छानने के बाद इधर में धनिया पत्ता प्याज काट के रख लिए हैं। तो अब इसे ठंडा होने के लिए पानी अलग करेंगे, मटर को ठंडा करेंगे। ये ज़्यादा देरी नहीं लगेगा टाइम, ये थोड़ा उसमें पानी निकालते ही ठंडा हो जाएगा। तो इसे ठंडा करने के बाद फिर इसे मिक्सी जार में पीसेंगे। मिक्सी जार में एक बार नहीं पीसेंगे। लहसुन मिर्चाई इसलिए ये साथ में इसे झा दिया है ताकि इसका स्वाद अच्छा बढ़ जाता है। तो ये आधा आधा करके ही पीसेंगे, दो बार में पीसेंगे इसको, एक बार नहीं पीसेंगे। और इसमें थोड़ा सा पानी मिलाएंगे। पानी मिलाने के बाद इसे पीस लेंगे और पीसने के बाद देखिए इस तरह के ये तैयार हुआ है। तो अब इसके लिए हम कढ़ाई गरम करेंगे। कढ़ाई गरम होने के बाद इसमें तेज़पत्ता और मिर्चाई इसमें फ़ौरन के लिए डाल दिए हैं, साथ में ही इसमें प्याज ऐड करेंगे। प्याज थोड़ा देरी तक ही भूनेंगे, ज़्यादा नहीं भूने क्योंकि कढ़ाई बहुत गर्म हो चुका है। तो इसे चलाएंगे जल्दी जल्दी। उसके बाद ये देखिए ये भून चुका है। और इधर मसाला निकाले, हल्दी पाउडर, गोलकी पाउडर और जीरा पाउडर और सरसों पाउडर। तो सब मसाला निकाल रहे हैं और उसके बाद साथ में ही इसे चाट मसाला ऐड कर रहे हैं क्योंकि इससे स्वाद थोड़ा बढ़ जाता है। तो इसके चलते थोड़ा चाट मसाला डाल दिए हैं। तो उसके बाद मसाला को भूनेंगे और पानी है तो थोड़ा आवाज़ आ गया है फातिमा से, तो उसके लिए कह रहे थे। ये देखिए मसाला भी भुंजा चुका है, तो अब इसमें ऐड करेंगे। तो ये देखिए ऐड कर चुके हैं। तो ये और थोड़ा पानी मिलाएंगे इसमें, इसे ज़्यादा देरी नहीं पकाएंगे, ये बहुत जल्दी हो जाता है। अब इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी ऐड करने के बाद ये इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। नमक डालने के बाद उसके बाद अभी इसे छोड़ देंगे ढक के। ये जब तक कि पकाएंगे 10 मिनट में हो जाएगा। धनिया पत्ता भी ऐड कर देते हैं और ये 10 मिनट तक ही ये हो जाएगा। तो ये देखिए पानी मिला दिए हैं। अब इसमें उबाल आएगा। तो उबाल आने के बाद ये देखिए कैसा इसका कलर है, बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। तो उसके बाद अब इसे गैस बंद करेंगे, सॉरी इलेक्शन चूल्हा को। तो आज की वीडियो कैसा लगा कमेंट बताइएगा।